अभी कुछ स्कूल के बच्चे ना आपस में बात कर रहे हैं कि स्कूल लाइफ से परेशान हो चुका हूँ, कह रहे हैं गुलामी की ज़िंदगी कब तक जीऊँगा। मैंने कहा अगर ये गुलामी है तो ऑफिस में क्या होगा उनका। मैं बहुत परेशान था उस वक्त, पर मैं सबसे पहले गया मंदिर में और उन लोगों के लिए दुआ मांगी कि मैं तो जी लूँगा, इन विचारों का क्या होगा। स्कूल लाइफ से कौन परेशान होता है यार, क्योंकि सबसे बेस्ट लाइफ होती है आपकी ज़िंदगी का, है कि नहीं। मैं खुद यार स्कूल के दिन को बहुत मिस करता हूँ यार, क्या दिन थे। नहाओ खाओ स्कूल जाओ वापस आओ सो जाओ, ये दुनिया कैसे चलेगी मेरे लौड़े से। मुझे क्या करना है यार, ये दुनिया चले ना चले रुकी रहे। हाँ यार, और मैं तो बैक बेंचर था यार, मैं इतना लापरवाह था कि बिना बैग के कभी कभी स्कूल चला जाता। वहां जाके देख रहा हूँ अरे बैग तो लाए नहीं। खैर छोड़, इतने काम की चीज थी भी नहीं। बैग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि हम पढ़ने नहीं जाते थे यार स्कूल, हम जाते थे स्कूल मौज लेने। और खूब मौज लिया भी यार, पूरे टाइम हमने मौज ही लिया, सिर्फ एग्जाम टाइम को छोड़ के। बहुत नफरत थी मुझे एग्जाम से यार, हम नादान से बच्चे खुले आसमान में आजाद परिंदे की तरह उड़ रहे हैं, खेल रहे कूद रहे, और फिर हमारे पेरेंट्स आके कान पकड़ के एक रूम में बंद कर देते थे कि खेलना कूदना बंद, पढ़ाई करो, एग्जाम है। ये वैसी फीलिंग है जैसे आप हनीमून पे गए हो और अचानक से आपके सर कॉल करके बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के वापस ऑफिस पहुंचो, बहुत जरूरी काम है। और आप सोच रहे हो कि इससे जरूरी क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में। और ये हनीमून वाला एग्जांपल इसलिए दिया ना ताकि उस एज वाले भी ये बच्चों का दर्द समझ पाए, क्योंकि ये नहीं समझेंगे ना क्या हो गया, कान पकड़ के बैठा दिया तो पढ़ो, अब लग रहा हो ना यार बहुत बड़ा दर्द है। और हाँ, हमारे पेरेंट्स भी यार दो दो महीने पहले से एग्जाम है पढ़ाई करो, चलो दो महीने पहले से कौन पढ़ता है यार। हम बैक बेंचर थे, एक महीने पहले तो हमें याद आता था कि अच्छा एग्जाम है क्या, करते ही कुछ करते हैं, अब क्या करें ये सोचने में 5 दिन निकाल देते थे। अब बच्चे 25 दिन, हमने की कोई बात नहीं, 5 सब्जेक्ट है, 5-5 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे, पूरा सिलेबस खत्म, रिलैक्स। फिर इतना रिलैक्स कर लेते थे कि 5 दिन निकाल देते थे। और अब 20 दिन बचे, हमने की अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 5 सब्जेक्ट है, 4-4 दिन देंगे हर सब्जेक्ट को, पूरा सिलेबस खत्म, चिल। फिर इतना ज्यादा चिल कर लेते ना कि 5 दिन और चिल में निकाल देते। अब बच गए 15 दिन, तो फटने का एहसास होता था, तो कोशिश करते थे कि पढ़ने की कोशिश करते, पर आदत नहीं है ना, तो आदत लगाने में 5 दिन और गए। तो अब समझ में आ गया कि पढ़ के तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि भगवान हमारे बस की जो थी हमने कर लिया, अब जो है तू ही है, देख ले, क्योंकि जालिम के घर में पैदा करा है ये इंसान जान से मार देगा। हाँ, भगवान से काम करवाने के लिए उनको डर दिखाना जरूरी है, वरना काम नहीं हो पाता ना। और उसके बाद जितने भी जो 10 दिन है ना, उसमें भगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते थे। मैं तो वो मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, माता रानी सारे काम सफल कर देगी, मैं कर देता था, नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारी बारी। हाँ, एग्जाम वाले दिन ना भिखारियों को रोक रोक के भीख दे रहे हैं, मांग नहीं रहा वो। हाँ, कह रहे कि भाई तेरे दुआ की जरूरत है भाई, प्लीज करियो। और वो भी सोच रहा होता है साले चूतिए, अगर इतनी मेरी जान पहचान होती मैं ऐसे भीख मांग रहा होता। और देखो, हमने ना हर दुआ में यही मांगा होता है कि देखो पढ़ाई हमने की नहीं, तो बस क्लासरूम में ऐसे टीचर आए कि आसानी से चीटिंग कर सके। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा, वही टीचर जिसके लिए दुआ मांगा था कि बस ये ना आए, क्योंकि उस टीचर की ना चारों तरफ आंखें थी भाई, अगर आप इधर चीटिंग कर रहे हो और वो उधर देख रही है ना, तब भी उसे पता लग जाता था। और बाकी टीचर्स ना सिर्फ धमकाती है कि चीटिंग करते हुए पकड़ा तो पेपर छीन लूंगी, वो छीन लेती थी। हाँ, एक बार हमारे ना साइंस के पेपर में आ गई, वो बच्चों को टॉयलेट नहीं करने जाने दे रही यार, हम अपना पकड़ पकड़ के जा रहे, मैम समझो बहुत तेज किया ये, प्लीज मैम। कह रही नहीं जा सकते, चीटिंग कर लोगे। हमने कि चेक कर लो यार, फर्रे जैसी कोई चीज नहीं है, कहां से चीटिंग करेंगे। कहते नहीं कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हमने देखा, ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम टॉयलेट करने जाएंगे और अपना लिंक देखेंगे और हमें याद आ जाएगा और सेम टू सेम आके छाप देंगे, वरना ऐसे हमें याद ही नहीं है कि हमारा लिंक कैसा है। 1 मिनट, सांप जैसा है कुछ नहीं, कुछ पत्थर भी तो है नीचे। हाँ याद आ गया, पत्थर पे सांप बैठा है। यार बच्चे क्लासरूम में मूतना चालू कर गए, पर उसने जाने नहीं दिया। हाँ, उसका बस चलता ना तो बच्चों का सफाया करवा देती कि डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दो, क्लीन स्वीप।
10 नंबर का आंसर लटक रहा है, हर बार चीटिंग कर लेते हैं, 33 में से 10 यहीं से ले आते हैं। हाँ यार पागल औरत। पर यार देखो नॉर्मल एग्जाम का तो फिर भी ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम में देखा कितना ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है यार उस वक्त। उस वक्त हम जैसे बच्चों की छोड़ो, पढ़ने वाले बच्चों को भी फटी रहती है यार। मेरे टाइम पे एक पढ़ाकू था, वो हगिस पहन के पेपर देने जाते थे, इतनी फट गई थी उसकी। और हाँ हम तो चलो यार बुक वुक गाइड वाइड छुपा के जा रहे, इसलिए हमारे में सूजन दिख रही है, उसका ऐसे फूल रहा, हमने हाथ लगाया तो हगिस है। हाँ यार इतनी फट गई थी भाई। और सच में भाई बोर्ड एग्जाम बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो ना तो यार बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी है, क्योंकि हम दूसरे के स्कूल में जाके पेपर देने वाले, जहाँ के टीचर को नहीं पता कि हम साले हरामी चीटिंग के भरोसे आए हैं। उनके लिए हर बच्चा एक समान है, तो वो हमारे स्कूल की टीचर की तरह ना पार्शियलिटी नहीं करती कि सिर्फ हमें देखती रहती थी। हाँ यार हमारे क्लास की टीचर ऐसे देख रही है, करो चीटिंग करो। कहाँ से कर पाओगे यार। पर वहाँ पे क्या था, वो सिर्फ आपके लुक को देख के जज करती है कि जिसके बाल खड़े हैं, हाँ ये हरामी है, इस पर ध्यान देना ज़्यादा। और उसके लिए ना एक ट्रिक है भाई, देखो सिंपल सा ट्रिक है, अपने आप को एक अच्छा बच्चा बन के दिखाओ। वो उसका ट्रिक है वो गांधी जी का चश्मा, जो पढ़ाकू बच्चे नहीं पहन के आते थे चश्मा, देखा होगा आपने, फुल यूँ चश्मा लगा लिया बिल्कुल। मैं उसको ना सराफत का ISI मार्क बोलता हूँ। उस चश्मे को पहन के कोई आपको बंदूक भी दिखाए ना आप डरोगे नहीं। हाँ एकदम एकदम अपनापन वाली फीलिंग आती है। आप मुझे अभी देखो, नहीं लग रहा कितना बड़ा हरामी हूँ, दारू भी बिल्कुल नीट पीता हूँ। लेकिन एक मिनट रुको, अब नहीं लग रहा कि कैसा मम्मा बॉय होगा, घर जाते ही बोलूंगा मम्मा मैं आ गया, दूध में बॉर्नविटा मिला के पीता हूँ। हाँ यार यही पहन के मैंने सारे एग्जाम दिए और फुल आराम से चीटिंग करता, टीचर को पता तक नहीं, शक ही नहीं कर रही है यार। एक बार मेरे जेब से फर्रा गिर गया, मैडम ने देख भी लिया, फिर भी आगे मुझसे पूछ रही है कि बेटा ये आपका है, मैंने कहा नहीं मैम। एक बार मैं मान भी गई, मेरे आगे वाले बच्चों को पकड़ के ले गई, वो टॉपर था साला, चीखता रह गया पर अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पाया। ये है ताकत इस चश्मे की। थैंक यू गाइस।